हरे कृष्णा बच्चों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे सप्तम पाठ रामचंद्रस्य कथा, पाठ 7 रामचंद्र की कथा। रामचंद्र की कथा, कथा यानी कहानी। रामायणे रामस्य चरितं वाल्मीकिः अलिखतः। रामायणे ने रामायण में राम की चरित्र की कथा वाल्मीकि ने लिखी थी। किसने लिखी थी? लिखा है रामायण में रामचरित्र किसने लिखा है? वाल्मीकि ने लिखा है। प्राचीन समय अयोध्या नपह दशरथ आसीत। प्राचीन ने पुराने समय में अयोध्या ने अयोध्या, नृप ने राजा, दशरथ ने दशरथ, आसीत ने थे। प्राचीन समय में अयोध्या के राजा दशरथ थे। पुराने समय में अयोध्या के राजा कौन थे? दशरथ थे। तस्य चतारह पुत्रः आसीन। तस्य ने उनके, चतारे ने चार, पुत्राय ने पुत्र, आसन ने थे, उनके चार पुत्र थे। तेषां नामानि रामः भरतः लक्ष्मण शत्रुघ्न च। तेषां ने उनके, नामानि ने नाम, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न है और शत्रुघ्न है, उनके नाम राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रामः कौशल्याः पुत्र आसीत। राम कौशल्या के पुत्र थे। सुमित्रायाः लक्ष्मण शत्रुघ्न सुतो आस्ता। सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न पुत्र थे। केकयी भरतस्य माता आसीत। केकयी भरत की माता थी। रामस्य विवाह सीताया सह अभवत। राम का विवाह सीता के साथ हुआ था। पितु दशरथस्य आज्ञया राम चतुर्दश वर्षाणि यावत् वनं गतः। पितु ने पिता, दशरथ ने दशरथ की आज्ञा ने आज्ञा से, राम चतुर्दश ने 14, वर्षाणि ने वर्ष के लिए, यावत् वनं गतः, पिता की आज्ञा से राम 14 वर्ष के लिए वन में गए। तेन सह तस्य भार्या सीता भात्रा लक्ष्मण च अपि वनम अगच्छता। तेन ने उनके, स ने साथ, तस्य ने उनकी, भार्या ने पत्नी, सीता भ्राता ने भाई लक्ष्मण और भाई लक्ष्मण भी, अपि ने भी, वनम ने जंगल, अगच्छता में ने गए। उनके साथ उनकी पत्नी सीता और भाई भ्राता ने भाई लक्ष्मण भी वन में गए। सीता गए। दशरथ रामस्य विहरे प्राणान अत्यजत। दशरथ ने राम के विरह ने वियोग में, उनके वियोग में प्राणान अत्यजत ने प्राण को त्याग दिया। मतलब जब राम 14 वर्ष के वनवास के लिए वन में गए तो उनके वियोग में उनके पिता दशरथ ने अपने प्राण अत्यजत ने त्याग दिए। वने रामस्य आश्रमात रावणः कपटाचारेण सीताम अहरत। वने ने वन में, रामस्य आश्रमात ने राम के आश्रम से, रावण कपटाचारेण, रावण ने कपट के द्वारा, कपटाचारेण ने कपट के द्वारा, सीताम अहरत, सीता का क्या कर लिया था? अपहरण कर लिया था। अहरण ने, अहरत ने अपहरण कर लिया था। क्या करा था? वन में राम के आश्रम से रावण ने सीता का कपट के द्वारा क्या कर लिया था? अपहरण कर लिया था। राम लक्ष्मण पुत्र अपि सीताम न अपश्यता। राम और लक्ष्मण को पुत्र ने कहाँ भी सीता न अपश्यता मैंने नहीं दिखा। दोनों को कहीं भी सीता ने नहीं देखा। वानरान नृपः सुग्रीव सहायतम अकरोत। वानरान नृपः मतलब बंदरों के राजा सुग्रीव ने उनकी सहायता अकरोत ने सहायता की। सुग्रीव से आज्ञा पवन सुत लंकायाम आक्रमात। सुग्रीव की आज्ञा से
पवन सुते ने पवन पुत्र, लंकाया मैंने लंका में, आक्रमते ने आक्रमण किया, सीताम च अशोक वाटिकायम अपच्छत। सीताम च अशोक वाटिकायम अपच्छत, और सीता को अशोक वाटिका में देखा। राम रावण से वधम अकरो, राम ने रावण का वध किया। तस्य अनुजाया विभीषणाया लंकाया राज्यम अच्छत। तस्य ने उसको उनके अनुज विभीषण को लंका का राज्य दे दिया। तदनंतरम रामः सीताया लक्ष्मण च सह अयोध्यां प्रत्यागच्छत। उसके बाद तदनंतरम इन्हें उसके बाद राम सीता लक्ष्मण च सह सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौट आए। प्रत्यागच्छते ने लौट आए। रामम नृपम दृष्ट्वा प्रजा प्रसन्न अभवत। राम राजा को देखकर प्रजा प्रसन्न हुई। अद्यापि राम राज्यम प्रख्यातम अस्ति, इसीलिए भी अद्यापि ने इसीलिए भी राम राज्य प्रख्यातम ने प्रसिद्ध है। बच्चों आपको ये पाठ पढ़ना है और समझना है। इसके शब्दार्थ और अभ्यास हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।